गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी ठंड पड़ी है, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। ऐसे तो विंटर चल ही रहा है लेकिन और सबसे ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह में मैं नहाती हूँ तो सुबह में आज नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगता था। मैं गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से ही नहाती हूँ। और तो आज बहुत ज़्यादा ठंड था तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ खास बनाया जाए, कि सर्दियों के मौसम में तरह तरह के खाना इंसान बनाते हैं, खाते भी है। जैसे चौप हुआ, जैसे कि चिकन हुआ, मटन हुआ, ये सब बेसिक करके इंसान खाता है। जैसे आलू भर की रोटी हुई, ठीक है, तो ये सब जो है इंसान सर्दियों के मौसम में खाता है तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो आज मैं बनाऊँगी पुलाव और चिकन आलू का शुरुआत एक तरकारी मतलब मैं बनाऊँगी। तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं आलू और चिकन का शुरुआ में बनाती हूँ और तरकारी और पुलाव किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो सब मैं आज आपको बताऊँगी दिखाऊँगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर A1 केजी चावल लिया है और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ पानी में एक घंटा पहले मैंने फुला दिया था। देखिए ये पूरा फूल के वाइट एकदम कलर का आ चुका है। तो मैं अब इसे बना दूँगी जल्दी सा। इसमें यहाँ पर मैंने आलू लिया है। आलू अपने अपने हिसाब से जितना चाहे वहाँ ले सकते हैं, आपके घर में जितने आदमी होंगे उतने हिसाब से। चिकन भी आपके घर में जितने आदमी होंगे उतने हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। 1.5 केजी चिकन, 1 केजी आलू, 1 किलो आलू, और यहाँ पर मैंने छेमी मटर लिया है। ये अभी ठंड के मौसम में छेमी मटर देके मैं पुलाव में दूंगी, तो पुलाव बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने 25 ग्राम अदरक और 2 बड़ा लहसुन का यहाँ पर मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने 4 2 बड़े और 2 छोटे प्याज मैंने लिया है। और बाकी जो है मैं गरम मसाला, तेल, घी वगैरह जो कितना गिरेगा, कितना देने पड़ेगा, नहीं गिरे देने पड़ेगा, वो मैं पकाते पकाते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए पकाना है। यहाँ पर ओवन जलाकर मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा डेगची लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी दिया, उसमें मैं डालूंगी लौंग, इलायची और दालचीनी। ये पानी जब फूटेगा तो ये पानी को मैं खाली करूँगी इस डेगची को, उसके बाद मैं इसमें चढ़ाऊँगी। पानी जो है हो चुका है तो मैंने यहाँ पर ढाल दिया है छोटे से पतीले में, और इसमें मैं 25 ग्राम दी हूँ लक्खी घी। आप चाहे तो कोई भी घी अपना दे सकते हैं या रिफाइंड तेल भी दे सकते हैं। और उसमें मैंने एक छोटा सा प्याज जो है मैंने आपको दिखलाया था, तो यह इसको मैं महीन महीन काटके घी में दे दूँगी। और उसके बाद जैसे ये ब्राउन हो जाता है मैं इसे निकाल लिया था, वो प्याज ब्राउन हो चुका है तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। उसी बचे हुए घी में मैं डालूँगी अब गर्म मसाला। इसमें मेरा है लौंग, इलायची, बड़ा इलायची, जयत्री, दालचीनी, जीरा और ये सब आप देख लीजिए, ये सब मैं डाल दूँगी इसमें। तो घी में मैं गरम मसाला देती हूँ, और घी जब मैं हम लोग गरम मसाला देंगे तो आप इसको कवर ज़रूर करिएगा, नहीं तो ये छटकता है जिसकी वजह से आप लोग का हाथ भी जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चावल। चावल मेरा 1 घंटा पहले से फूला हुआ, इसलिए मैं चावल में पानी इस हिसाब से दूँगी कि मेरा चावल भी गल जाए और पानी भी ना बचे, पानी भी इसी में सूख लें, तो उसी हिसाब से मैं डालूंगी। और हाँ, छेमी मटर जो है मैं अभी नहीं डालूंगी जब तक इसमें 1-2 फुट मतलब थोड़ा बहुत जब ये होने लगेगा 50% हो जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी चावल। छेमी पानी फुटा के रखा था वो पानी मैंने डाला है, क्योंकि तो चावल के ऊपर ही पानी है, मतलब कि बेसी मैंने पानी नहीं डाला। और ये चावल इतनी सही पानी मैंने डाला है और बेसी मैंने पानी नहीं दिया है। और ये इसमें अभी मुझे नमक देना है, नींबू देना है, और उसके बाद इसमें गरम गुलाब पानी, मीठा तरी ये सब देना है। मैं परस्पर आपको दिखलाती रहूँगी। तो और एक बात याद रखिएगा, जो मैंने गरम पानी किया था तो इसमें का जो मसाला है वो मुझे चावल पर नहीं डालना है, चावल पे नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाला ऑलरेडी है, इसीलिए हम लोग को वो मसाला फेंक देना है और यूज़ नहीं करना है। हो चुका है, थोड़ा बहुत सारा बाकी है। मैंने इसमें डाला है नींबू और स्वाद अनुसार नमक और ये छेनी मटर मैंने यहाँ डाल दिया। छेनी मटर जो मैंने डाला है उसमें मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो होने से अच्छा होता, तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास जितना था मैंने उतना ही डाला है, तो आपका सा रहने से बहुत अच्छा होता। ये देखिए ये अभी कढ़ाई है उबालने में 50% ही है, अभी इसमें आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैंने गैस का जो गैस जो मैंने आज तक एकदम कर चुका है,
कर दिया है। ये आस्ते आस्ते ही आँच में होगा क्योंकि पानी स्टार मुझे बाहर से डालना नहीं है। कच्चा पानी आप लोग भूल से भी मत डालिएगा ना, तो स्वाद बहुत बेकार हो जाता है। यहाँ पर हो चुका है सब पूरा तैयार। तो यहाँ इसमें अब मैं डाल दूँगी गुलाब पानी का मिश्रण जो मैं बनाती हूँ बिरयानी में। इससे पहले मैं भी आपको बताई हूँ, तो आप लोग का हम लोग का अंदाज़ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर प्याला से ही डाल दिया। जिसका अंदाज नहीं रहा वो छोटे चम्मच से डालें, और उसके ऊपर मैं दे दूँगी प्याज, जो प्याज मैंने निकाला था ब्राउन करके। तो यहाँ मेरा पुलाव पूरा बन के हो चुका है तैयार। बस अब इसे मैं कर दूँगी कवर, और इसके ऊपर में कुछ आप भारी चीज़ रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रख दूँगी लोढ़ा जो मेरा बहुत ही भारी है, और गैस का फ्लेम मैंने एकदम पूरा ही आस्ते कर दिया है। ये मैं अब सिर्फ 5 मिनट और रखूँगी क्योंकि 5 मिनट पहले से ही मैंने चढ़ा दिया था। तो 5 मिनट और रखूँगी, उसके बाद मैं इसे पूरा बुटा दूँगी। कढ़ाई इसमें मैंने दिया है ज़रा सा तेल, इसे भी इस कढ़ाई में नॉन स्टिक कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा ही तेल में बहुत अच्छा से खाना बन जाता है। और मेरा जो आलू है जो मैंने छील के रखा था इसमें मिला दिया है मैंने जैफरानी राय। तो मेरा तेल जो हो चुका है गर्म, तो इसमें मैं डाल दिया आलू। आलू को मुझे यहाँ पर लाल करना है, गलाना नहीं है, सिर्फ लाल कर लें। और आलू जो हो चुका है लाल, तो मैं इसे अब निकाल लूँगी अलग से बर्तन में। डाला है तो आप यहाँ पर ठंडा का मौसम है तो सरसों तेल भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ किया, लेकिन सरसों तेल का ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ 100 रिफाइंड तेल डाला है, उसमें मैं 2 तेज़पत्ते को आधा आधा टुकड़ों में करके डाल दे दूँगी। और जो मैंने आप लोगों को प्याज दिखाया था वो प्याज में डाल दूँगी। इस प्याज को मुझे करना है ब्राउन, तो जैसे ही इसको ब्राउन हो जाएगा उसमें मैं डालूँगी चिकन। उसके बाद में चिकन का सारा पानी जो है उसको, मेरा जो प्याज का ब्राउन हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया है चिकन। तो चिकन जैसे ही आप प्याज में डाल दें तो उसमें देखिए तो बहुत जो पानी छोड़ता है, तो ये पानी जो है मैं इसी में सुखा लूँगी। क्योंकि ये पानी अगर नहीं सुखाते हैं बहुत सारे इंसान, तो वो मैंने एक स्मेल रहता है जो बहुत ही बेकार लगता है मुझे, एकदम अच्छा नहीं लगता है, उससे टेस्ट भी नहीं होता है चिकन का। तो इसी वजह से मैं चिकन जब भी बनाऊँ, जैसे भी बनाऊँ, या पुलाव बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ या चिकन भुना बनाऊँ, तो मैं ये पानी जो है ज़रूर मैं सुखा लेती हूँ। और सुखाने के बाद भी उसके बाद भी जो बनाते हैं कुछ भी बनाइए तो उसमें जो टेस्ट जो चिकन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो ये पानी यहाँ पर मैं सुखाने के लिए इसे छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू। देखिए गाइस कितना सारा पानी इसमें छोड़ा है, थोड़ा बहुत सूख भी गया, इसमें आग भी था, आग थोड़ा सा बाकी है ये पानी सूखने में। लेकिन मैं इसी में ही जो है आलू जो है डाल दूँगी जो मैं लाल करके रखी थी, क्योंकि पानी सूखते सूखते जो है मेरा चिकन जो है वो गल जाएगा, आलू जो है मेरा वैसे ही रह जाएगा। इसकी वजह से मैं आलू और चिकन दोनों ही एक साथ मैं यहाँ पर डाल के इसका पानी में सुखाऊँगी, ताकि उसी बात में मेरा आलू भी गल जाए और चिकन भी। जब ये पानी सूख जाएगा उसके बाद मैं दूँगी मसाला। देखिए ये कलर जो है पूरा चेंज हो चुका है और पानी भी जो है पूरा सूख चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। तो इस मिक्सर में ही जो है मैंने मसाला सब डाल दिया है, तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर गूढ़ा मिर्चा, और 2 चम्मच मैंने डाला है जीरा। और गरम मसाला जो है मैंने वो नहीं दिया है, वो मैं बाद में दूंगी जब मेरा तरकारी पूरा हो जाएगा। और अदरक लहसुन तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, तो ये सब मैं अब इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं पानी दे दूंगी, और नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था, क्योंकि नमक डालने से इसमें जो पानी छोड़ता है उससे और ज़्यादा छूटेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर पानी नहीं नमक नहीं दिया था। अब मैं इसमें नमक मैंने डाल दिया है, और देखिए पानी जो है मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, क्योंकि मेरा जो चिकन का जो पानी जो मैंने सुखाने दिया था तो उससे मेरा आलू और चिकन जो है 50% तो वो ऐसे ही गल चुका है। और जो मैंने मसाला इसमें जो मैं लाल करूँगी भूजूँगी, तो उसके साथ साथ मेरा चिकन आलू जो 50% बाकी वो भी गल जाएगा। तो मैं इसमें नमक वगैरह जो सब मैंने डाल दिया, अब मैं इसे कर दूँगी कवर। कवर करने के 5 मिनट बाद मैं फिर देखूँगी इसका पानी सुखाने के लिए, उसके बाद मैं मसाले को भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं गरम मिर्ची। मेरा मसाला जो हो चुका है भून के तैयार, ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है, तो मेरा मसाला जो पूरा हो चुका है रेडी। और मैं यहाँ पर देख लूँगी आलू गला है कि नहीं, चिकन गला है कि नहीं। तो मेरा यहाँ आलू और चिकन जो है गल के हो चुका है तैयार, ये देखिए पूरा ही।
पूरा ही गल गया है और मैंने इसमें डाला है पानी, जितना मुझे ज़रूरत है शुरुआत उतना ही। और ये सब जो देख रहे हैं मैंने गरम मसाला यहाँ पर डाल दिया है और डाल के मैं इसे कर दूँगी कोवर। और ये मेरा हाई फ्लेम पे है, लेकिन जैसे इसमें फूट आने लगेगा मतलब फूट मिलाएगा उसी में जो है मीडियम कर दूँगी फ्लेम पर। उसके बाद उसी तरह से मैं 5 मिनट छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद मेरा तरकारी हो चुका है पूरा तैयार, हो जाएगा पूरा। ये देखिए एक फूट आ चुका है, फूट रहा है। अभी मैं इसे कर दूँगी लो फ्लेम पे पूरे 5 मिनट तक। लो फ्लेम पे है जो इसका जो इसमें का जो तेल मसाला जो आप देख रहे हैं तो इसका जो कलर जो है और भी अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से आएगा लो फ्लेम में। ये 5 मिनट मैं इसी तरह छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। लो फ्लेम में ही मैंने इसे बनाया पकाया है 5 मिनट और बहुत अच्छा इसका कलर आ गया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, पूरा गल के हो चुका है तैयार। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और उसके बाद इसमें मेरा पुलाव और जो चिकन आलू का जो मैंने शुरुआ बनाया था तो वो मेरा दोनों हो चुका है तैयार। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये देखिए कितना अच्छा इसका प्लाउट हुआ, मतलब चावल के दाना जो है वो भी बहुत अच्छा आया है। तो और चिकन भी गल गया, आलू भी गल गया, सब कुछ मेरा हो चुका है रेडी। तो इस तरह से बनाया जाता है पुलाव और चिकन। तो मैंने आज आप लोगों को पूरा वीडियो में सब कुछ दिखाया कि किस तरह क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैं पुलाव और चिकन आलू का शुरुआ में बनाती हूँ, वो सब चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो किस तरह बनाने पड़ता है, कितना क्या डालने पड़ता है, नहीं डालने पड़ता है, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। अगर कुछ मुझसे छूटा है, अगर मैंने कुछ अगर नहीं बताया आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में आके जरूर पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो भी मुझे आप लिए कॉमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि वैसा ही गलती मेरे नेक्स्ट वीडियो में ना हो। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।